हाय गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ, पर ट्रस्ट मी, मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं ससुराल जा रही हूँ और ससुराल जाने के लिए सारे कपड़े ट्रेडिशनली होने चाहिए। तो ये कुछ सलवार सूट है जो मैं पैक करके लेके जा रही हूँ। शादी के समय सारे कपड़े ना ऐसे ही मिलते हैं, एकदम दुल्हन वाले, तो ये आप नॉर्मली कहीं पहन नहीं सकते जब तक कोई पार्टी या फंक्शन या कुछ में आपको बुलाए ना। तो मैं इन सबको रखती हूँ कि मैं ससुराल जाऊँ, वहीं ये सब पहनूँ, रोज रोज बदलूँ, सबको दिखाऊँ। वैसे ये कपड़े पैक करना ना मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि मैं कभी भी अपना कपड़ा खुद से पैक नहीं की हूँ। शादी से पहले मेरी मम्मा ही करती हैं, और अब शादी के बाद तो सब कुछ मुझे ही करना है। अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े को भी खुद से ही सरियाना है, तो ये मुझे डिफिकल्ट लगता है। इसलिए मैं बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से बैठ के सारे कपड़े सरिया रही हूँ कि कहीं से भी कोई भी कपड़े में सिकुड़न ना आए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही टाइम लगा के आयरन किया है। आप बताओ, आपको ये कैसा टाइम लगता है? क्योंकि कहीं जाना हो ना तो सबसे ज्यादा टेंशन हो जाता है यार, क्या पहनना है, और खासकर जब आप अपने ससुराल जा रहे हो तब तो ज्यादा लगता है। और ना मैं अपने सारे कपड़े इस तरह से ही प्लास्टिक कवर में पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि इससे ना कपड़े में सिकुड़न तो आएगी नहीं, सब अपने जगह पे रहेंगे, एंड आपके कपड़े का केयर भी हो जाएगा। ये मैंने मीशो से परचेज किया था, अराउंड 200 रुपीज में मुझे मिल गया था, 12 पीसेस थे इसमें, एंड ये मेरे बहुत काम आ रहा है। मेरे सारे साड़ियाँ मैं इसी तरह से रखी हुई, इनफैक्ट अलमीरे में भी सब कपड़े ऐसे ही है। आप ये ग्रीन वाला सूट देखो और बताओ मुझे कैसा लग रहा है। मैंने ये सूट लिया है मिंत्रा से, एंड ये ब्रांड है लिबास, बहुत ही बढ़िया कपड़ा आया था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। लिबास तो मुझे लगता है मेरा फेवरेट हो गया है मिंत्रा में। एंड आप देखो, सारे कपड़े मैंने इस तरह से प्लास्टिक कवर में ही पैक किया। थोड़ा सा जगह ले लेता है ये, बट अगर आप कम दिनों के लिए कहीं जा रहे हो और आपके कपड़े मेरे जैसे ही थोड़े हैवी वाले हो, तो आप इस तरह से केयर कर सकते हो मेरे लिए। तो और ये जो है ना, ये मेरे शादी का चुनरी है, जिसे पहन के मेरी शादी हुई थी, हमारा गठबंधन है, तो इसमें मेरी और इनके दोनों है। मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को भी इस तरह से ही पैक की हूँ, और ये कुछ चूड़ियां हैं जो मैं लेके जा रही हूँ, वहां पहनूंगी। यहाँ तो मैं उतना नहीं पहनती, बट वहां पहनना है। आप ये चूड़िया भी मैंने मीशो से ही परचेस किया है, ये वाला बैंगल भी मैंने मीशो से ही परचेस किया है। तो अगर आपको लिंक चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक टाइप कर देना, मैं जरूर शेयर कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में मांग लो, मैं लिंक शेयर कर ही देती हूँ। ये चूड़िया मैंने लिए हैं अपने घर के लोगों के लिए, ये मैंने लिया है मासी के लिए, कुछ मैंने लिया है मम्मी के लिए, और कुछ मैंने लिया है अपनी मम्मी जी के लिए। तो इस तरह से मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रही हूँ। हालांकि ये वीडियो इनकम्प्लीट है, अभी बहुत कुछ है जो इसमें पैक करना है, तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट पार्ट है। अगर मुझे लगा कि सेकेंड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है तो मैं वो जरूर डालूंगी, क्योंकि अभी ब्यूटी, कॉस्मेटिक, टॉयलेट्रीज, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ है जो एंड तक तो बहुत निकल भी जाएंगे और बहुत कुछ न्यू एड ऑन भी हो जाएंगे। आपको ये सारी चूड़ियाँ कैसे लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये सब मैंने लोकली लोकल बाजार से ही खरीदा है नोएडा के। आप बताओ, आप जब अपने ससुराल जाते हो क्या क्या पैक करते होते हो?